हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज हम निकल रहे हैं विक्रांत के साथ, थोड़ा गाड़ी का इसने काम करवाना है। तो विक्रांत हो रहा हाय, तो बस निकल रहे हैं, देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे गाड़ी ठीक करवाने। गाइस अभी टायर डलाने आए हैं, विक्रांत जी को टायर पसंद आ गया, टायर चेंज करवा रहे हैं। इसको पीछे रखनी है, तो अभी टायर ले रहे हैं। तो अभी सेकेंड हैंड टायर ले रहे हैं यार इसके लिए। गाड़ी अभी ऐसे ही रखी हुई है अपने घर के लिए, विक्रांत ने घर के लिए रखी हुई है। तो क्या 250 रुपये का बोल रहे, 200 रुपये का ठीक है यार, टायर डला दे छोड़ कप डाल दो यार, 800 देखे करा देते हैं, 800 डाल देखते हैं। कौन सा वाला ये देखा, 13 इंच है ये बड़ा, ये मेरे 15-16 होगा, ये 14 बड़ी है यार, बट इसकी वो बड़ी है, गुटी नहीं विड्थ बड़ी है इसकी, इससे देखना विड्थ ज़्यादा है इसकी यार। हाँ वो देख लेना, पूछ लेगा कि तेरा इसको बुला यार, भाई मेरे यार एक मिनट आना, ये भी तो 14 है यार, ये 14 है, बुलाओ उसको, बड़ा है ना आपका, छोटा है ना, ये पैंट और ये वाला ये फटा हुआ है। अच्छा अच्छा विक्रांत, इसकी वो साइज़ बड़ा है इसका, देखना साइज़ सामने बड़ा दिख रहा है। कौन सा वाला साइज़ बढ़िया सबके, चला भाई आपको मैं लॉयस दिखाता हूँ, जो हमने देखे बंदे ना 4.5 लाख के डलाए और 3 लाख में दे गया यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ टायर को, थार चलाए सर ये देखो, और इनकी वैल्यू है गाइस, मट टायर ना शायद, मट टायर ना, एम्प्टी टायर से शायद, एम्प्टी हाँ एम्प्टी टायर से हैं, एम्प्टी टायर से, और इनकी साइज़ है 22 इंची टायर हैं, और बंदे ने 4.5 लाख के लिए थे और 3 लाख में ये बंदा दे गया यहाँ पे। अब भगवान जाने क्या इशू होगा, जो उतने पैसे 1.5 लाख का नुकसान करा के गया बंदा, बंदे ने थोड़े दिन नहीं डलाया, ये देखो लगा थोड़ा ख़राब भी हो गए हैं, शायद ऑफ रोडिंग वगैरह की होगी। तो बाकी ये किसने लेने हो, तो जम्मू का कोई है तो नरवाल आके ले सकता है, अरे ये नरवाल में बंदा दे रहा है। तो गाड़ी की ये फुल हमारी, तो गाड़ी का टायर चेंज करवा रहे हैं अभी। अगर एक बात है, जो बंदा 4.5 लाख खर्च के 3 लाख का दे, 1.5 लाख का नुकसान थोड़े दिनों में, क्या चीज हो टायर चेक कर लेना, पंचर नौ देख लेना, नहीं नहीं ये यहीं पे जो होगा होगा, खराब होगा खोल दूंगा यहीं पे, ठीक है ना, कोई चक्कर ही नहीं है, तो भी भाई मेरा चेक कर रहा है टायर, नहीं नहीं वाल ठीक है, हाँ ओके ओके, ये ट्यूब वाले टायर का स्यापा ही रहता है, कल को पंचर वो ट्यूब वाले स्यापा रहता है, जो खोला रख दिया अंदर, हाँ वो अंदर है ट्यूब, उसमें नहीं थी चपनी वाली की ट्यूब थोड़ी थी। बाकी बीट गाड़ी है यार, अपने टाइम पे मानी हुई गाड़ी थी, आ तो शेवरले यहाँ छोड़ के चले, बड़ी गाड़ी इंडिया में अभी भी चल रही है, तो उस टाइम पे ये तब की बात करता, अब यहाँ पे ये स्पैंडल दिया था, अब तो स्विफ्ट वगैरह में आता है, तो बाकी अंदर से कुछ ऐसे ही आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं टायर, मैं कह रहा हूँ ठीक था, बट ये ऑलरेडी इसमें ट्यूब पड़ी हुई है, इसको पंचर लगाएंगे बाहर जाके, टायर वो भी सही, इसके सेम ही टायर है, टायर सेम है दोनों, देखना उसकी गुट्टी देखो, इसकी गुट्टी देख सेम गुट्टी, इसमें ट्यूब है उसमें ट्यूब नहीं, बट इसकी गुट्टी ज़्यादा सही है उससे, इसकी ज़्यादा अच्छी, नहीं नहीं उसकी ज़्यादा सही कह रहा हूँ मैं, वो देखना साइड में ये घिस गया, उड़िया देखिए कितना घिसा हुआ है। तो गाइस अभी निकल रहे हैं यहाँ से, तो
मिल जाते हैं सही है टाइम पास करने के लिए। भाई सभी गाड़ी की वॉशिंग चल रही है, वॉशिंग करवा रहे हैं। उठाएगा अभी सर, उठा के करेगा वो देखा आगे तो वॉशिंग कर रहे हैं गाड़ी की अभी। ये तो गाड़ी अच्छी थी अपने टाइम में, क्यूट सी गाड़ी थी। बाकी ये विक्रांत बैठा हुआ है और उस गाड़ी की डीप क्लीनिंग चल रही है। बट जिन लोगों ने आज भी ये गाड़ी रखी है उन्होंने साफ ही रखी है गाड़ी, बड़ी अच्छी गाड़ी रखी, अच्छी कंडीशन में गाड़ी रखी हुई है। जन्नत बख्शे, माफ करना गलती माड़े से हो गई। गाइस गाड़ी हो गई क्लीन, अब देखो सही लग रही है, साफ लग रही है गाड़ी बाहर से बड़ी है, तो चलो ठीक है बट साफ लग रही है। अंदर से तो पहले भी क्लीन अच्छी थी। बस अभी क्लीन करा के निकलते हैं यहाँ से और इसके डोर वाइजर रह गए, डोर वाइजर नहीं इसके क्या रह गया आगे वाले जो क्या कहते हैं उनको, वो वाइपर ब्लेड्स, वाइपर ब्लेड्स रह गए हैं, बस वो चेंज करवाने फिर निकलेंगे हम।